पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारी हैं और अपने खाता में जब रुपया जमा करने के लिए जाते हैं तो आपको ये डिपॉजिट फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अगर आप डिपॉजिट फॉर्म इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो कैसे भरेंगे। मैंने एक फॉर्म को फिलअप करके रखा है। अगर आप हिंदी में भरना चाहते हैं तो कैसे भरेंगे, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी बैंक से रिलेटेड वीडियो डालो उसकी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पर आपको शाखा का नाम लिखा रहता है, अगर नहीं लिखा रहता तो अपने शाखा का नाम डालेंगे, यानी आपका ब्रांच का है उस जगह का नाम आपको यहाँ पर डालना है। उस पर तो आपको यहाँ पर डेट डालना है, जो भी डेट को आप ये फॉर्म जमा करते हैं अपने बैंक में। उसको नीचे आएंगे तो जो भी आपके पासबुक पे अकाउंट नंबर है वो नंबर सही सही यहाँ पर डालेंगे, गलत आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद आपका जो पासबुक है उस पर जो भी आपका नाम है, जिस तरह से स्पेलिंग है वही नाम आप यहाँ पर डालेंगे। एंड नीचे आएंगे तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो जमा करने में तो आपके जो भी बैंक के कर्मचारी है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। उसके बाद जितना रुपया आप जमा करने के लिए जा रहे हैं वो रुपया आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए राशि में, यानी वर्ड में मैं इंग्लिश में भर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको जो भी रुपया जमा कर रहे हैं वो आप यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे। जैसे मैं 20,000 रुपया जमा कर रहा हूँ तो 20,000 यहाँ पर मैंने लिख दिया, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद इधर आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं जो 20,000 रुपया मैं जमा कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर 20,000 रुपया जमा कर रहा हूँ उसमें मेरे पास कौन कौन से नोट हैं। तो जैसे कि 500 के मेरे पास 20 नोट हैं, मैंने 20 यहाँ पर दे दिया, और यहाँ पर 500 का 20 नोट यहाँ पर 10,000 हो जाता है। उसके बाद 200 का 30 नोट है तो यहाँ पर 6,000 हो गया, 100 के 30 नोट हैं तो 3,000 हो गया, 50 रुपये के 20 नोट हैं तो 1,000 हो गया। इस तरीके से यहाँ पर टोटल जोड़ के मेरे पास 20,000 रुपये थे, मैंने इस तरीके से लिख दिया। आपको भी जो भी नोट आपके पास होगा उसके अनुसार यहाँ पर गुना और जोड़ के आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर से अपना नाम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर खाता नंबर फिर से डालेंगे, शाखा का नाम रहेगा फिर से आपको डालना पड़ेगा, उसको डेट आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है, जो भी आपका है वर्ड में डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है, जो भी रुपया जमा करने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से इंग्लिश में फॉर्म भरेंगे। अगर आपको हिंदी में भरना है तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो हिंदी में भरने के लिए फिर से आपको मैं ले चलता हूँ ऊपर, यहाँ पर शाखा का नाम रहेगा डाल दीजिएगा, डेट डालेंगे, खाता नंबर डालेंगे, नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर, कितना जमा कर रहे हैं वो डालेंगे, और यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे 30,000 रुपये मात्र। जैसे कि मैं यहाँ पर 30,000 रुपये जमा कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए फिर से जो भी आपका अमाउंट होगा, कितने रुपये का आपके पास नोट है वो नोट उसके अनुसार आप यहाँ पे गुना करके जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे, जैसे मैं आपको बताया था। उसके बाद आप यहाँ पर फिर से डेट मेंशन करेंगे, ब्रांच का नाम लिखेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, आपका पता हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप लिखेंगे 30,000 रुपये मात्र इस तरीके से, और यहां पर हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे चेक के माध्यम से भरते हैं तो चेक यहां पर चेक नंबर दे सकते हैं, और जो भी बैंक का चेक है वो बैंक का नाम लिखेंगे, शाखा का आपको यहाँ पर नाम लिखना पड़ता है अगर चेक के माध्यम से भरते हैं तो, वरना अगर चेक के माध्यम से नहीं भरे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर समझ लीजिए, अगर आप 50,000 रुपये या 50,000 रुपये से अधिक जमा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पैन नंबर देना अनिवार्य है, ठीक है। और इस फॉर्म को जब भी आप भरिएगा तो भरते समय आप ब्लैक पेन या ब्लू पेन से ही भरिएगा, ये अनिवार्य रखा गया है। इस तरीके से आप इस फॉर्म को भरेंगे, फिर भी आपको भरने में कहीं पर भी कुछ दिक्कत हो रही है तो नीचे वीडियो में कमेंट कीजिए, या डायरेक्टली इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपका सवाल जवाब होगा वो आप हमें इंस्टाग्राम पर आसानी से पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी उसकी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।